सब्सक्राइब करें टेक्निकल एंड स्मार्ट इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, सो दोस्तों आज के ये वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एक क्यूब का पैटर्न सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न और क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। दो पैटर्न आज आपको सिखाने वाला हूँ और दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव पैटर्न है। ओके, तो जैसे मैंने पिछले क्यूब के पैटर्न के वीडियो में बोला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर व्हाइट लाइन आ रही होगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि, और इस वीडियो में भी मैं यही बात बोलूंगा कि क्यूब पैटर्न बनाने के लिए आपका जो क्यूब है वो सॉल्व स्टेट में होना चाहिए, जैसे अब ये है। तो अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऊपर एक व्हाइट लाइन आ रही होगी, आप वहां से जाके रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट पे चले जाइए, पहले आप क्यूब को सीख लीजिए फिर आप ये पैटर्न कर लीजिए। और अगर आपको क्यूब सॉल्व करना आता है तो आप इस पैटर्न को कर सकते हैं। ओके, तो अब पैटर्न के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा आपको। ओके, तो क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न के लिए आपकी स्क्रीन पर एक एल्गोरिदम फ्लैश हो रही होगी, आपको उसको लगाना है। कैसे लगाना है, आप क्यूब को कैसे भी होल्ड कर सकते हैं। मैं कैसे होल्ड कर रहा हूं, व्हाइट को टॉप में रखूंगा और ब्लू को फ्रंट में, और एल्गोरिदम क्या है, आर एफ आर यू प्राइम बी यू आर टू एफ टू यू प्राइम एफ प्राइम एल डी प्राइम एल प्राइम एफ टू यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बनके तैयार हो गया, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और कलर मैंने कौन सा चूज किया था, रेड को मतलब व्हाइट को ऊपर रखा था और ब्लू को फ्रंट में रखा था, तो थोड़ा थोड़ा तिरंगा वाला भी फील आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। अब इसको आपको इसी सॉल्व स्टेट में, मतलब इसी पैटर्न की स्टेट में आपको क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है, क्यूब को कैसे होल्ड करना है, जो आपका ये छोटू सा क्यूब बना है इसको आपको पीछे रख देना है और सामने आपको एक एल बना हुआ दिख रहा होगा, जैसे कोई से भी कलर का हो सकता है, वो मेरा ऑरेंज कलर का है, उसको आपको फ्रंट में रखना है। और अब ये वाली एल्गोरिदम करनी है, क्या एल्गोरिदम है, ऊपर स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी और उससे आपका क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन जाएगा। क्या एल्गोरिदम है, एल टू बी प्राइम डी बी डी प्राइम बी प्राइम डी बी यू बी प्राइम डी प्राइम बी डी बी प्राइम डी प्राइम बी यू प्राइम एल टू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न भी बनके तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बहुत ही अट्रैक्टिव पैटर्न है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। ओके, तो अब आपको क्या, एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो पहले मैं इस क्यूब को सॉल्व स्टेट में ले आता हूं। अगर आपको इस क्यूब को सॉल्व करना है तो जो मैंने एल्गोरिदम आपको बताई है आप उसको रिवर्स में लगा लीजिए, मतलब अगर मैंने एल प्राइम बोला है तो आप एल कीजिए, ऐसे आप रिवर्स में कर दीजिए और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा, वरना आप इसे स्क्रैम्बल करके पूरा फिर वापस सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व स्टेट में ले आता हूं। तो ये क्यूब आ चुका है सॉल्व स्टेट में। अब मैं आपको क्या शॉर्टकट बताने वाला था, मैं बताने वाला था आप डायरेक्टली क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कोई भी होल्डिंग पोजीशन रख लीजिए, जैसे मैं रख रहा हूं ऊपर व्हाइट में, व्हाइट को टॉप में और ग्रीन को फ्रंट में। और अब जो मैं एल्गोरिदम बता रहा हूं, अगर आपको उसको, आप उसको लगाओगे तो डायरेक्टली आपका क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन जाएगा, जो हमारा सेकेंड स्टेप में बनता था अब ये आपका डायरेक्टली बन जाएगा। क्या एल्गोरिदम है वो, एफ प्राइम एल प्राइम एफ प्राइम डी प्राइम आर टू यू प्राइम आर डी एफ यू टू एफ यू प्राइम एल
एफ प्राइम डी एफ आर एंड फाइनल डी प्राइम। तो देखिए हमारा डायरेक्टली भी क्यू बिना क्यू बिना क्यू पैटर्न बन के तैयार हो गया। तो बस यही पैटर्न मेरे को इस वीडियो में सिखाने थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि कमेंट जरूर कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।